सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं मैं एचपी 2606 या जो एचपी के टैंक्स प्रिंटर हैं उनमें जो एरर आता है 08 या 032, वो किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको आगे मैं बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी फ्रेंड्स, जो मेरे सामने प्रिंटर है एचपी का 2606 है और इसमें एरर आ रहा है 08 का एरर। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, फ्रंट साइड के जो पैनल है इसको ऊपर के लिए उठाना है और जहां पर आपका ये ड्रम यूनिट लगा हुआ है उसके पैनल को ओपन करना है। यहाँ से कुछ इस तरीके से आप लोग ओपन कर सकते हैं और अगर इस तरीके से ना हो तो फ्रेंड्स, इसका जो ऊपर वाला पैनल है जो पेपर ट्रे होती है उसको आपको निकालना पड़ेगा। अभी मैं इसे ट्राई करके देख रहा हूँ, अगर निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ऊपर की पेपर ट्रे जो है वो हटाना पड़ेगी, उसके बाद ही निकल पाएगा। फिलहाल आपको दिखा दूँ, मैं यहाँ पर एक केबल लगा हुआ है, ये वाइट कलर का जो केबल है इसको निकालना है और दोबारा से लगाना, तो आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। तो अभी मैं इसके ऊपर वाले जो पेपर ट्रे है उसको निकाल रहा हूँ, उसके बाद ही आगे का स्टेप फॉलो करिएगा। जो मैंने पेपर ट्रे यहाँ से निकाल दिया है, यहाँ पर एक स्क्रू लगा दो, वो आप लोग यहाँ से इसको ड्राइवर की मदद से निकाल दीजिएगा और कुछ इस तरीके से आप लोग इसको बाहर निकाल दीजिएगा। बाहर निकाल के आप देखिए, यहाँ से एक केबल को है जो यहाँ से निकाल देना है और प्रिंटर पे 32 एरर दिखने लगेगी, आपको 32 एरर दिखेगी, वो दिखने दीजिएगा। वो होती है पेपर ट्रे जब आपका बंद नहीं होता तब ये एरर आती है, उससे कोई मतलब नहीं। आपको यहाँ पर प्रिंटर को कर देना है ऑफ और फिर डायरेक्ट कर देना है ऑन, फिर से एक बार ऑन कर देना है और उसके बाद ये आप जो मैंने केबल निकाली है वो दोबारा आपको लगानी है। पावर ऑन के टाइम पे लगा रही है और टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर कोई भी करंट नहीं आता है, आप सेफली लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर मैं अभी प्रिंटर को इनिशियलाइज होने दे रहा हूँ। प्रिंटर एक बार देखिए एरर 32 आ गया। अब यहाँ पर लगाते हैं फिर से वापस केबल, प्रॉपर तरीके से लगाइए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए अभी केबल लगा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ आगे के स्टेप जो आपको करने हैं। तो यहाँ पर केबल लग गई है और वापस जो इसके पैनल्स प्रिंटर के खोले थे वो वापस लगा देने हैं, मतलब पलट के लगाइएगा। फिलहाल आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने इसका कवर लगा दिया, अभी भी एरर 32 आती रहेगी क्योंकि जो मेरे हाथ में पेपर ट्रे है जब ये नहीं लगी होती तो एरर 32 का मैसेज डिस्प्ले पर आता रहता। अभी मैंने कवर लगा दिया है, प्रिंटर को करते हैं स्कैनर को करते हैं डाउन और आपको दिखाते हैं। अभी प्रिंटर देखिए यहाँ पर इनिशियलाइज होने लगा है और अभी जैसे ही प्रिंटर रेडी हो जाएगा, मतलब इनिशियलाइज होते होते अभी बीच में आपको एक इसमें एरो डाउन का जो बटन है उसका सिग्नल आएगा प्रेस करने का, तो आपको प्रेस करना है और आपका प्रिंटर रेडी हो जाएगा। प्रिंटर रेडी होने के बाद आपको मैं एक बार प्रिंट आउट भी करके दिखा दूंगा, जिससे आप लोगों की कन्फ्यूजन सारी क्लियर हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर कंटिन्यू ये इनिशियलाइज हो रहा है, ये पूरे ड्रम यूनिट को पूरा सेट करता है फिर से जीरो से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक का जो मैसेज है वो फुल का मैसेज आ गया है और प्रिंटर कंटिन्यू इनिशियलाइज कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले में अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, वाईफाई बटन है, आई बटन है और एरो जो डाउन बटन है फ्रेंड्स, उससे ही आपको प्रेस करके इस प्रिंटर को रेडी करना है। अभी आप लोगों के सामने ये ग्रीन कलर से हाईलाइट होने लगेगा, तो अभी देखते हैं कितने टाइम और लगता है इनिशियलाइज होने में। तो एक्चुअली ये ड्रम यूनिट जो है वो पूरा डिस्कनेक्ट जब हो जाता है तो इसीलिए ये इनिशियलाइज करता है। यहाँ पे ग्रीन बटन को देखिए प्रेस करना है एरर 20 पे और प्रिंटर रेडी हो गया। अभी मैं आपको इसका प्रिंट आउट भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पर प्रिंटर जो है वो कमांड दे रहा है, इसका मतलब इसमें जो प्रिंटर सेल्फ टेस्ट पेज निकालता है जिसमें प्रिंटर की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो ही मैंने प्रिंट आउट निकाली है यहाँ पर है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट आउट सक्सेसफुली हो चुका है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम अब भी आ रही है तो कमेंट्स करके ज़रूर मुझसे पूछिएगा और किसी तरीके की कमेंट्स मुझे करके बताइएगा अगर कोई और प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।